नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सीएम योगी आदित्यनाथ के मठ गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सारे खुलासे चौंकाने वाले हैं। जांच कर रही एटीएस मुर्तजा की पूरी कुंडली खंगालने के लिए उसके ससुराल जौनपुर भी पहुंची, जहां उसकी पत्नी से पूछताछ की गई और पत्नी ने जो खुलासे किए उसे सुनकर दंग रह जाएंगे आप। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। पिता ने उसे मानसिक रोगी बताया तो ससुर ने पत्नी संग रिश्तों की सारी कहानी सामने रख दी। जी हां, मुर्तजा को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। पर इस बीच मुर्तजा की बीबी का बयान है काफी महत्वपूर्ण। गोरखपुर मंदिर हमला मामले को लेकर एटीएस की एक टीम जौनपुर में मुर्तजा के ससुराल से पूछताछ करने पहुंची थी। एटीएस की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। टीम ने मुर्तजा की पूर्व पत्नी सादिमा से पूछताछ की। मीडिया से बातचीत में मुर्तजा के ससुर ने बताया कि मुर्तजा शादी के बाद सिर्फ दो बार ही अपनी पत्नी के परिवार वालों से मिलने के लिए आया था। पत्नी के साथ मुर्तजा के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। मुर्तजा के ससुर मुजफ्फर उल हक ने बताया कि साल 2019 के बाद से उनकी और उनके परिवार की मुर्तजा से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर इंजीनियर लड़का देखकर बेटी की शादी की थी, लेकिन उसके बाद से व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, जिसके कारण 2019 में उसकी बेटी को वो वापस ले आए। उन्होंने बताया कि मुर्तजा ने मोबाइल पर ही सादिमा को तलाक दे दिया था। ना मुर्तजा कभी मिला, ना अपनी पत्नी का सुख दर्द जाना। पर यहाँ गौर करने वाली बात मुर्तजा के स्वभाव को लेकर है। वो कभी अपनी पत्नी या परिवार के सुख को नहीं समझा। पर इसी बीच मुर्तजा की पत्नी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मुर्तजा मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था, सिर्फ उसका व्यवहार ठीक न रहना तलाक की वजह बना। हालांकि दूसरी तरफ गोरखपुर के डॉक्टरों ने भी मुर्तजा की मानसिक स्थिति को ठीक बताया है, और यही वजह है कि मुर्तजा को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हुए ही एटीएस जांच को आगे बढ़ा रहा है। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी मुर्तजा के घर में लगे सीसीटीवी के डीबीआर को कब्जे में लेकर फुटेज के बैकअप को खंगाल रही है। डीबीआर को कब्जे में लेने की पुष्टि नर्सिंग होम संचालक ने भी की। फुटेज से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में मुर्तजा से मिलने कौन कौन लोग आए थे। खबर है कि फुटेज से जांच एजेंसी को कई लोगों के चेहरे मिले हैं जो संदेह के घेरे में हैं। ऐसे लोगों से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। तो सारे बयानों के बीच मुर्तजा की बीबी का बयान काफी अहम और चौंकाने वाला है। एटीएस अपने एंगल से जांच कर रही है और एटीएस ने मुर्तजा से पूछताछ के बाद मिले सवालों का जवाब उसके घर वालों से जानने की कोशिश में है। मुर्तजा और घर वालों के बयान का मिलान जांच एजेंसी कर रही है। एटीएस ने सीसीटीवी कैमरे के डीबीआर को भी कब्जे में ले लिया और अब एटीएस के रडार पर मुर्तजा के परिवार वाले, उसके करीबी और आसपास के लोग हैं। तो जैसे जैसे खुलासे होंगे अपडेट आपके सामने हम रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।